पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों के लिए सैलरी मांगता है। पाकिस्तान का ये काला चेहरा तब सामने आया जब इमरान खान ने यूएन से हाफिज सईद के लिए सैलरी मांगी। सवाल ये है कि पाकिस्तान खुखार आतंकवादी को सैलरी क्यों देना चाहता है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के पास आम शहरी को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वो सैकड़ों लोगों को मारने वाले खूंखार आतंकी को पैसे देने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र में कहा कि 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद काफी गरीब हैं, घर का अकेला कमाने वाला शख्स है, इसलिए उनके खाने पीने और कपड़ों की जरूरतों के लिए हर महीने सैलरी देने की अनुमति दी जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखे पत्र में पाकिस्तान ने कहा कि हाफिज सईद अपने 4 सदस्य वाले परिवार का समर्थन करता है और एकमात्र समर्थन के रूप में वह भोजन, पे और सभी परिवार के सदस्यों के कपड़ों के खर्च के लिए जिम्मेदार था। पाकिस्तान ने यूएनएससी से कहा कि हाफिज सईद को 1,50,000 पाकिस्तानी रुपए की जरूरत है, जिससे वो अपने और अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। हैरानी की बात ये है कि पाकिस्तान के इस मांग को यूएनएससी से मंजूरी भी मिल गई। दरअसल पाकिस्तान की इस मांग पर विचार करने और आपत्ति दर्ज करने के लिए 15 अगस्त तक का टाइम दिया गया था। जब किसी देश ने इस पर आपत्ति नहीं जताई तो पाकिस्तान की इस मांग को मान लिया गया। मतलब ये कि 26/11 के मास्टरमाइंड को फिर से राहत मिल गई है। दरअसल हाफिज सईद के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, दुनिया भर से चंदा ओढ़ते हैं, ISI भी पैसा देती है। नोट करने वाली बात ये है कि हाफिज सईद ने अल्लाहू अकबर तहरीक के बैनर तले चुनाव भी लड़ चुका है, पैसे का तो बहाना है। दरअसल इमरान पाकिस्तान की जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि वो आतंकवादियों के साथ हैं। पाकिस्तान इस समय कंगाली की मार झेल रहा है, उसने हर जगह से लोन ले रखा है ताकि वो अपने आवाम का पेट भर सके। हाफिज सईद के लिए भीख मांगकर उसने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो समर्थन करेगा तो सिर्फ आतंकवाद का। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।